आजसू एक रीजनल पार्टी है, हमारे लीडर माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी हैं और उनका शुरू से महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का उत्थान, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार, ये शुरू से ये लगातार हमारा पार्टी प्रयास करते रहा। एनडीए को जिताना है और झारखंड में एनडीए की सरकार बनाना है। जो झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 एनडीए गठबंधन में चार घटक दल है, भाजपा, आजसू, जदयू, लोजपा, हम लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और चारों दल एक साथ लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा एक जगह शक्ति संग्रहित हुआ है, संगठित शक्ति सबसे मजबूत है और हम लोग सबसे भारी है। क्योंकि झारखंड के लोग आज विचार कर रहे हैं कि झारखंड को बचाना है, झारखंड को विकास के प्रगति के पथ पर ले चलना है तो एनडीए को लाना है और इसलिए झारखंड के तमाम मतदाता ये संकल्प लिया है कि इस बार एनडीए को जिताना है और झारखंड में एनडीए की सरकार बनाना है। देखिए निश्चित रूप से झारखंड के 81 विधानसभा है जो झारखंड में, सभी विधानसभा में संतुलित विकास होना चाहिए और हमारा संकल्प है कि पूरे झारखंड प्रदेश की 81 विधानसभा में संतुलित विकास हो, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, सुखी और शांति से रखने के लिए, जो लोगों को न्यूनतम जरूरत है, न्यूनतम आवश्यकता है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, नियुक्ति, सड़क, बिजली, पेयजल, सुरक्षा, कृषि, पशुपालन, लोगों के जीवन को सुधार सकता है, इन विषयों को हम लोग लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे और लोगों के बीच में रह के जनभावनाओं को आदर करते हुए, लोगों की भावनाओं को समझते हुए एनडीए पूरे झारखंड प्रदेश के 81 विधानसभा में काम करेंगे और यहाँ का जो झारखंड का संस्कृति, जो भारत का संस्कृति, ये अक्षुण्ण रहे, सब अपना जो इस देश के लिए जो योगदान दिया है, इस राज्य के लिए जो योगदान दिया है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, हम लोग उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। आजसू एक रीजनल पार्टी है, हमारे लीडर माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी हैं और उनका शुरू से महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का उत्थान, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार, ये शुरू से ये लगातार हमारा पार्टी प्रयास करते रहा कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में अगर हम प्रकाश डालते हैं तो देखिए पंचायत निर्वाचन जो हुआ, बिहार से झारखंड अलग हो के 32 साल बाद इस राज्य में पंचायत निर्वाचन हुआ, तत्कालीन एनडीए सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी और हमारे पार्टी के आदरणीय नेता श्री सुदेश महतो जी के विशेष प्रयास से, उनके नेतृत्व में पंचायत राज निर्वाचन ये संपन्न हुआ और उसमें महिला सशक्तिकरण के दिशा में महिलाओं को पंचायत निर्वाचन में 50% आरक्षण दे करके महिला सशक्तिकरण की जो संकल्पना है उस संकल्पना को मजबूती देने का काम किया। आज उसी निर्णय के कारण बहुत सारे महिलाएं मुखिया बनी, पंचायत समिति के सदस्य बनी, जिला परिषद बनी, प्रमुख बनी, उप प्रमुख बनी, जिला परिषद के चेयरमैन बने और आज वहीं से कई चेयरमैन, जिला परिषद मेंबर, मुखिया, विधायक भी लड़ रहे हैं और विधायक भी बने हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने
ये जो आज JSLPS जो आप देख रहे हैं, जो पूरे झारखंड प्रदेश में सक्रिय है, ये माननीय सुदेश महतो जी का ये बहुत बड़ा एक योगदान है, उनका एक सोच का एक परिणाम है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, आजीविका के साथ जुड़ने के लिए ये JSLPS के माध्यम से ये संजीवनी योजना सर्वप्रथम जब इस राज्य में लागू हुआ था उस प्रोजेक्ट का नाम था संजीवनी। तो संजीवनी एक योजना जो JSLPS के माध्यम से सफल होना था, क्रियान्वयन होना था, आज संजीवनी योजना का नाम भले नहीं है लेकिन JSLPS के माध्यम से हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं इसमें जुड़ चुकी है और अपना जीविका, अपना रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे NDA के सरकार में हमारे आजसू पार्टी ने काफी काम किया है, शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, अपना संस्कृति बचाने के लिए, अपना पढ़ाई को अच्छा से करने के लिए कई उनको मौका मिला है। छात्र संगठन के रूप में आजसू की स्थापना, आज का छात्र काल का भविष्य है, जो आज छात्र के रूप में स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वही आने वाले समय के लिए इस देश के लिए राजनेता बनेंगे, देश को चलाने के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रशासनिक पदाधिकारी, जो देश को चलाने के लिए जो आम जरूरत है। तो आजसू शुरू से नौजवानों को, छात्रों को प्रमोट किया है और वो अच्छा से पढ़ाई करे, आर्थिक कमजोरी उसका बाधा ना बने, इसके लिए हम लोग लगातार हम लोग प्रयास करते रहे, काम करते रहे। आने वाले दिनों में जब झारखंड में NDA की सरकार बनेगी तो एक बेहतर हम लोग पॉलिसी निर्माण करके पढ़े लिखे नौजवानों को, जो अपना कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखते हैं, जो जिस पद पर वो जाने के लिए योग्य है, ऐसे नौजवानों के लिए हम लोग विशेष व्यवस्थाएं करेंगे। जो नौकरी में, जो नियुक्ति में, जो प्रतियोगिता परीक्षा में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे नौजवानों को भी रोजगार के साथ हम लोग जुड़ेंगे, वो अपने आप को रोजगार के साथ कैसे स्थापित करेंगे उसके लिए भी सरकार विशेष रूप से पॉलिसी बना करके, योजना बना करके हम लोग युवाओं को लाभ पहुंचाएंगे। मैं उस समय रामकृष्ण मिशन जमशेदपुर छात्रावास में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, जब मैं क्लास 6 में पढ़ रहा था तो मेरा पिताजी का देहांत हुआ और रामकृष्ण मिशन छात्रावास में मैं 10 तक पढ़ा और 10 तक पढ़ाई करने के बाद हम जब कॉलेज में दाखिला लिए, उस समय सामाजिक के कार्य करने के साथ साथ अपना पढ़ाई को भी जारी रखा और पढ़ाई को जारी रखने के लिए चूंकि हमारे पास उस ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं आते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, बोलने के लिए, और उस समय हम पढ़ाते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। उस समय पढ़ाई के साथ साथ अपना हम एक ट्यूशन पढ़ाते थे, हम सामाजिक संगठन चलाते थे, खेती भी करते थे, फार्मिंग, और आगे बढ़ने के लिए हम लगातार प्रयास करते थे, लगातार लोगों के बीच में संवाद का आदान प्रदान करते थे और सोचते थे कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, लोगों के साथ न्याय कैसे होगा, और यही सोच, यही जनसंवाद के कारण उस क्षेत्र के साथ साथ जुगसलाई के लोगों ने, जुगसलाई के सम्मानित मतदाताओं ने मुझे वर्ष 2009 में पहली बार विधायक चुन करके झारखंड विधानसभा भेजा और आज अगर देखा जाए बुढ़ाम पटमदा जो सुदूर देहात क्षेत्र रहा, आज भी है, लेकिन आज 2009 से पहले का जो स्थिति है आज वैसा नहीं है, बहुत सारे सुविधाएं वहाँ
पहुंचा है तत्कालीन एनडीए सरकार ने, वहां मेरे सुझाव पर काफी काम किया है। एक बात बताना चाहते हैं कि आजादी के 60 साल बाद मैं विधायक बना। विधायक बनने के बाद मेरे प्रयास से कई मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड सरकार के द्वारा कराया गया, कई हाई स्कूल को प्लस टू में, और बुड़ाम में एक डिग्री कॉलेज बन रहा, वो मेरे ही प्रयास उसमें है, मेरे कार्यकाल में है, आज निर्माणाधीन है। आने वाले दिनों में बुड़ाम में डिग्री कॉलेज कंप्लीट होगा, वहां से पढ़ाई चालू करवाएंगे। साथ ही साथ पटमदा में एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज है, उसके डेवलपमेंट के लिए मैंने काफी कुछ काम किए। चूंकि वो कॉलेज जब से बना था उसको परमानेंट एफिलिएशन नहीं मिला था, ना तो इंटर कॉलेज को मिला था ना तो डिग्री कॉलेज को मिला था। मेरे आने के बाद जब मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद प्रयास उसमें जारी हुआ, इंटर और डिग्री दोनों कॉलेज को सरकार से स्थायी प्रस्वीकृति मिला और सरकार के तरफ से उनको जो एड मिलता जो पहले नहीं मिलता था, आज दोनों कॉलेज को सरकारी अनुदान मिलता है। इसके अलावा मेरे कार्यकाल में पटमदा क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज निर्माण करने का सरकार ने अनुमति दिया है कि वहां एक महिला डिग्री कॉलेज बनाएंगे। लेकिन ये वर्तमान में जो 5 साल जो विधायक रहा मंगल कालिंदी, ये उस दिशा में कुछ काम ही नहीं किया। यदि वो काम किए रहते तो आज पटमदा में एक महिला डिग्री कॉलेज निर्माण होके रहता या निर्माणाधीन रहता, जो उस क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी पहल होता, लेकिन वो कर नहीं पाया। चूंकि खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे कि देश के विकास में, समाज के निर्माण में, समाज के उत्थान में शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा भूमिका है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, और आने वाले दिनों में क्षेत्र के लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस विधानसभा निर्वाचन में जुगसलाई के तमाम सम्मानित मतदाता मुझे चुनेंगे और झारखंड विधानसभा भेजेंगे। इसलिए भेजेंगे कि 5 साल से जुगसलाई विधानसभा में जो गति रुक गया विकास का, फिर से उस विकास की गति को गति देने के लिए रामचंद्र सहीस को जुगसलाई विधानसभा के सम्मानित मतदाता फिर से एक बार झारखंड विधानसभा भेजेंगे। सबसे पहला तोहफा जनता को होगा कि उनको हम विश्वास दिलाएंगे और बोलेंगे जनता को कि यदि आपका मन में जुगसलाई विधानसभा को एक विकसित, एक उन्नत श्रेणी के विधानसभा में लाना चाहते हैं तो आपका सुझाव का स्वागत है, आपका सहयोग का स्वागत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब चाहेंगे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, बात रख सकते हैं, और आपके बातों को गंभीरता से प्राथमिकता देते हुए पहल करने का हम काम करेंगे।